नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल प्राचीन परंपरा पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्वप्न शास्त्र से जुड़े एक नए सच के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने सपने में खुद को चोर को पकड़ते हुए देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, हर सपना कुछ ना कुछ हमारे आने वाले जीवन के बारे में बताता है, हमारे आने वाले जीवन के बारे में संकेत पहले से देता है। इसी तरह से दोस्तों, चोर को सपने में पकड़ना भी कुछ ना कुछ सूचना ज़रूर देता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को, रेड कलर के बटन को अभी दबा दें। दोस्तों, स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में चोर को पकड़ना इस ओर इशारा करता है दोस्तों कि आपको धन आने की सूचना आपको जल्द मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस सपने को देखने वाले जातक को धन लाभ होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप यह मेरा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।